तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो है हमारा क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड का वीडियो नंबर 2। इसके पहले हमने एक वीडियो किया है इस चैप्टर के ऊपर, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और पहला चैप्टर का वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लें। और इसके आगे के वीडियोज़ का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी कि इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। नहीं तो फिर आप हमारे चैनल पर जाएँ, चैनल में आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे आपको चैप्टर्स मिलेंगे, क्लास सिक्स के, क्लास सेवन के, क्लास एट के, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं, मेरा मतलब है कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और इस चैप्टर को। तो हमने पढ़ा था यहाँ तक, इस साउथ लैटिट्यूड, ये जो हमारा है इस पॉइंट तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम पढ़ेंगे। द वैल्यूज ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय इधर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो देखिए, जितने भी लैटिट्यूड हैं उनके साथ हम अंत में नॉर्थ या फिर साउथ को डिनोट जरूर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन या फिर एस। तो देखिए, एन या फिर एस, तो देखिए नॉर्थ रीजन के लिए एन और साउथ रीजन के लिए एस वर्ड को यूज करते हैं, यानी नॉर्थ को डिनोट करने के लिए एन और साउथ को डिनोट करने के लिए एस। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए, चंद्रपुर जो जगह है महाराष्ट्र में, और बेलो हॉरिजोंट, बेले हॉरिजोंट है, होंटे है, जोंटे है, ये तो देखना पड़ेगा, इन ब्राज़ील। तो ये दोनों जो जगह हैं ये पैरेलल लोकेटेड है 20 डिग्री लैटिट्यूड पर, 20 डिग्री लैटिट्यूड पैरेलल जो उस पर लोकेटेड है। लेकिन जो हमारा चंद्रपुर है ये 20 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है इक्वेटर के, और जो हमारा ब्राज़ील का शहर है बेलो हॉरिजोंटे ये हमारा 20 डिग्री साउथ पर लोकेटेड है। तो देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजोंटे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, वी सी इन फिगर डैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज, द साइज ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड इज डिक्रीजेज। तो यहाँ इमेज आपका दिया गया है, इक्वेटर आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 23 एंड हाफ डिग्री, यहाँ पर 66 एंड हाफ डिग्री, यहाँ पर 66 एंड हाफ डिग्री, इसी तरह से 23 डिग्री, 66 एंड हाफ डिग्री। तो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो यानी जो हमारा इक्वेटर है या फिर जो हमारा लैटिट्यूड्स है उनके जो इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस हैं उनको हम इस वीडियो में मेरा मतलब है आगे पढ़ने वाले हैं। तो बिसाइड्स द इक्वेटर, यानी इक्वेटर यानी कि जीरो डिग्री के अलावा, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन, साउथ पोल 90 डिग्री एस, देयर आर फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो देखिए, यहाँ तक तो हमने देख लिया इक्वेटर को, देख के इक्वेटर की बात की, नॉर्थ पोल की बात की, साउथ पोल की बात की। देखिए, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है, साउथ पोल 90 डिग्री पे, और नॉर्थ पोल भी हमारा 90 डिग्री पे है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा भी चार इंपॉर्टेंट हमारे पैरेलल्स हैं, उनके बारे में अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा 23 एंड हाफ डिग्री का जो लाइन है हमारा, 23.5 डिग्री का जो हमारा लैटिट्यूड है, पैरेलल लैटिट्यूड, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, यानी कि 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में। दूसरा हमारा लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा 23 एंड हाफ डिग्री साउथ में, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ। इसके बाद आर्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, और एंटार्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री साउथ। तो ये देखिए, ये चार इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 एंड हाफ डिग्री साउथ, उसके बाद आर्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री साउथ। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से जो हमारा सन से हीट आता है, गर्मी आती है, उसके हिसाब से हमने कई सारे टेम्परेचर जोन्स बनाए हैं, हीट जोन्स बनाए हैं, उनको हम अब पढ़ने वाले हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन
ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है पिछले इमेज में हमने देखा था कि ये देखिए ये जो रीजन है, मैं यहाँ आपको क्लीन कर देता हूँ इमेज, ये जो रीजन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन के बीच का जो रीजन है ग्रीन में, जो यहाँ पर हल्का ग्रीन में दिखाया गया है, इनके बीच जितने भी आपके लैटिट्यूड्स हैं, ये जैसे ये 20 डिग्री 23 एंड हाफ डिग्री 0 डिग्री 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे लैटिट्यूड्स बनाए गए हैं, उन सभी लैटिट्यूड्स पर साल में कभी न कभी जो हमारा सूरज है वो बिल्कुल एकदम ऊपर होता है किसी न किसी दिन, मतलब एकदम दोपहर में सर के ऊपर होता है 90 डिग्री पर। और ये जो रीजन है ये सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है इसी वजह से, और इसीलिए हम कहते हैं इसे टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। तो इसे आप चाहे तो नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉरिड जोन क्या होता है। तो देखिए टॉरिड जोन जो रीजन है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का एरिया है जहाँ पर जो हीट है वो पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसका रीजन क्या है। देखिए टॉरिड जोन जो है उसमें कभी साल में कभी ना कभी जो लाइट है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर पड़ती है, जैसा कि आप यहाँ टॉर्च लाइट के एग्जांपल में देख सकते हैं। उसके बाद के जो रीजन्स हैं वहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री के से ज़्यादा डिग्री पर पड़ती है, इस वजह से वहाँ पर उतनी ज़्यादा हीट हीट वहाँ पर रिसीव नहीं होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन उनके बाद का जो रीजन है यानी उसके ऊपर का रीजन या फिर उसके नीचे का रीजन, वहां पर साल में कभी भी आज तक सूरज 90 डिग्री पर सूरज की धूप नहीं पड़ी है, वो एक एंगल पर दिखती है। द एंगल ऑफ द सन रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड द पोल्स। तो देखिए जैसे जैसे हम ये जो हमारा टॉरिड रीजन था और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उसके ऊपर जाते जाएंगे पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ या फिर साउथ पोल की तरफ, तो वैसे वैसे जो हमारा एंगल है धूप का एंगल कम होता जाएगा। और एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। तो देखिए आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर में, उनका मॉडरेट टेम्परेचर होता है और इसीलिए इन रीजन्स को कहा जाता है टेम्परेट जोन्स। तो ये भी आप नोट कर लें कि टेम्परेट जोन्स कौन से रीजन होते हैं। तो टेम्परेट जोन्स आपके होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का रीजन नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का रीजन साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आखिर इस रीजन में क्या, इस रीजन में जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा टॉरिड जोन के मुकाबले कम होता है, उसका रीजन यह है कि इस रीजन में सूरज की धूप कभी भी सीधी नहीं पड़ती है, हमेशा एक एंगल पर पड़ती है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन। तो एक बार मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ इन रीजन्स को ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। तो जैसा कि आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, तो हमने टॉरिड जोन, यहाँ देखिए टॉरिड जोन है ये रीजन, ये इमेज को मैं क्लीन कर देता हूँ। हमारा ये रीजन देखिए टॉरिड जोन है, पूरा ग्रीन का जो ये रीजन है ये हमारा टॉरिड जोन हो गया। यहाँ पर साल में कभी ना कभी हमारी सूरज की जो धूप है वो 90 डिग्री पर पड़ती है। इसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट हमारा हो गया टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर हमारा जो आर्कटिक सर्कल है ये रीजन हो गया हमारा टेम्परेट जोन, और इसे हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। और इधर साउथ टेम्परेट जोन हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पर टॉरिड जोन के मुकाबले यानी इस रीजन के मुकाबले गर्मी कम होती है, धूप कम होती है, ठंडी ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की धूप कभी भी सीधी नहीं पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो रीजन है वो है एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। तो देखिए आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल साउदर्न हेमिस्फीयर में आर वेरी कोल्ड। तो ये देखिए ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर धूप बहुत ही मुश्किल से आती है, और
इस रीजन में धूप की जो गर्मी है वो उतनी ज़्यादा फील नहीं होती, इसी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है और वो ये रीजन बहुत ही कम हीट रिसीव करता है, और इसीलिए इस रीजन को कहा जाता है फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन तो सिंपली इसका मीनिंग हुआ वेरी कोल्ड। तो फ्रीजिड जोन यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा हो गया फ्रीजिड जोन और ये हो गया फ्रीजिड जोन। आर्कटिक सर्कल के ऊपर से लेकर नॉर्थ पोल और हमारा अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल, ये हो गया हमारा फ्रीजिड जोन। तो यहाँ तक तो हम समझ गए। इसके बाद अब हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड सारे बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें या फिर आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चैप्टर 2 के लिए भी, चैप्टर 1 के लिए भी, क्लास 6 का कोई और अगर आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी, या फिर आप कोई दूसरे क्लास का भी लेक्चर पढ़ना चाहते हैं या फिर वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी, क्योंकि हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, और 11th 12th के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मैं इसी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी वीडियोस हमारे देखते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।